नमस्कार, मैं प्रियंका हाजिर हूँ एक बार फिर आपके सामने लेकर एक नया शो जिसका नाम है कुकिंग एक्सपर्ट। जी हाँ, खाना बनाना भी एक कला है और जो होता है इस कला में माहिर आखिर वही तो कहलाता है कुकिंग एक्सपर्ट। और इसी के तहत मैं आपको करवाऊंगी इंट्रोड्यूस कुकिंग के कुछ ऐसे ही एक्सपर्ट से जो चलाएंगे अपने हाथों का जादू और बनाएंगे लजीज स्वादिष्ट जायकेदार डिशेस। जी हाँ, और आज इसी के तहत हम मौजूद हैं बेबी मॉल के बीसो रेस्टोरेंट में और मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं मास्टर शेफ मिस्टर शंकर सिंह। नमस्ते। हेलो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। न्यू ईयर भी आने वाला है और इसी के तहत हम चाहते हैं कि कुछ खास हो जाए ताकि लोग अपना वीकेंड एंजॉय कर सके मजेदार खाने के साथ। सर, क्या कुछ खास बनाने वाले हैं आप आज हमारे दर्शकों के लिए? आज हम इटालियन फूड बनाने वाले हैं, उस जिसका नाम है कोरे चीज स्टेक है। बहुत अच्छा है, बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा डिश बनता है। घरों में कोई भी आराम से और कम टाइम में खाने को हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं आप सभी लोगों के बीच में। उसके जो हम कोटेज चीज स्टेक बनाने जा रहे हैं उसके इंग्रीडियंट्स आपके सामने पड़े हैं। उसमें जो हम यूज करेंगे कोटेज चीज स्टेक बनाने के लिए, यहाँ पे कोटेज चीज स्टेक पड़े हैं, राउंड शेप में कटिंग की जाती है उसकी। बहुत ही सिंपल है, क्रीम का ब्लॉक लेना है, कटर लेकर उसको कटिंग करके दो पीस रखनी है और उसके 60 ग्राम के एक पीस भरने। आप कितने भी मतलब 10 ग्राम 20 ग्राम जो भी बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। और इसके हम इंग्रीडियंट्स, हम इसमें काजू स्पाइस है, सॉल्ट है, ओलिव ऑयल है, ब्लैक पेपर क्रश है और व्हाइट पेपर है और हर्ब्स है और ओरिगानो एंड स्प्रिंग ऑनियन है। तो इसको हम मैरिनेट करेंगे पनीर को पहला। आज हम बनाने वाले हैं कॉटेज चीज स्टेक, तो हमारे शेफ शुरुआत करने वाले हैं जिसके लिए चाहिए, उन्होंने बताया, चीज के कुछ पीसेस एंड अदर इंग्रेडिएंट्स। तो सर शुरू कीजिए। सबसे पहले हम कॉटेज चीज को मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे काजू स्पाइस पाउडर, एक घरों में भी आसानी से बन जाते हैं। बिल्कुल, इसके बनाने के बहुत सिंपल तरीके हैं। ये काजू का क्या है मिक्सचर? काजू स्पाइस मिक्सर है। इसको बनाने के लिए गार्लिक अनियन को रोस्ट किया जाता है। अच्छा। और उसमें थोड़ा टोर्टिला का चिप्स की मतलब पाउडर के साथ इसको सॉल्ट के साथ इसको ग्राइंड किया जाता है, उसके साथ ये पाउडर रेडी होता है। तो एक तरह से चटपटा मसाला। चटपटा मसाला। तो इसको हम इसको बोथ साइड इसको हम मैरिनेट करेंगे। आप यूज कर सकते हैं इसमें। हम थोड़ा सा डालेंगे ऑलिव ऑयल और थोड़ा पेपर डालेंगे इसमें और स्मैट सॉल्ट करेंगे और इसमें हम थोड़ा हर्ब्स डालेंगे, ओरिगानो है और थोड़ा लिटिल इसमें ब्लैक पेपर और क्रश ब्लैक पेपर। इसको हम मैरिनेट करेंगे बोथ साइड, दोनों साइड में अच्छी तरह से इसका मैरिनेट हो जाना चाहिए ताकि खाने में भी अच्छा लगे, दोनों साइड से एक साइड फीका नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम ठीक कहा जा सकता है इसको देखकर कि मसालों से और टेस्ट इंग्रेडिएंट से इसे पनीर को पूरा कवर किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी पैन गरम हो रहा है और उसमें हम तड़का लगाने वाले हैं। बहुत फास्ट फूड भी काफी मतलब अच्छे से डिशेस बनते हैं यहाँ पे और नाइट डे मॉर्निंग एवरी टाइम, तो हम गेस्टों की सेवा में हर टाइम उपस्थित रहते हैं। बिल्कुल। तो डिशेस में क्या स्पेशल है, लोग ज़्यादातर आके क्या ऑर्डर करते हैं? ज़्यादा डिशेस ऑर्डर करते हैं कॉटेज चीज स्टेक और
इंडियन मल्टी कुजीन हमारा यहाँ पे रेस्टोरेंट है। मल्टी कुजीन में इंडियन चाइनीज जितने भी डिशेज हैं कोई गेस्ट हर तरह के आते हैं यहाँ पे, तो उनके नीड के हिसाब से जो भी वो ऑर्डर देते हैं वो साथ में उनको मतलब खुश करके यहाँ से अच्छा खाना बना के देते हैं उनको। तो ये हमारा एक पोटी चीज एक ग्रिल हो रहा है, 5 मिनट इसको कुकिंग में लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। इसके बाद ये पोटी चीज स्टिक ग्रिल होने के बाद हम फिर इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं बेल पेपर, रेड येलो ग्रीन ब्रोकली, शिमला मिर्च, जिसे कि हम आमतौर पर कहते हैं शिमला मिर्च, लाल येलो और ग्रीन कलर की शिमला मिर्च को इससे गार्निश किया जाएगा इसके साथ। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री जैसे कोई अपना हेल्दी फूड लेते हैं क्योंकि वो बिना मिलावट मतलब मसाले तो सबसे मतलब खाने में बहुत अच्छी है और फैट भी नहीं बढ़ाता है खाने में। तो जैसा कि आप देखते हैं हमारा चीज अभी ग्रिल हो रहा है, ग्रिल होने में 5 मिनट का समय लगेगा। अब इसके बाद ग्रिल्स कोटेड चीज हमारा ग्रिल हो चुका है, हम टेबल प्लेट में सर्व कर दिए हैं। इसके बाद हमारा इसके साथ जो इंग्रेडिएंट्स है कुछ कॉम्प्लीमेंट्रीज को वो हम ग्रिल करने जा रहे हैं। तो अब हम अपने चीज़ को अदर इंग्रेडिएंट्स के साथ यानी शिमला मिर्च के अलग अलग रंगों के साथ ग्रिल करने वाले हैं। वैसे इस डिश का आपके यहाँ रेस्टोरेंट में प्राइस क्या है? इस डिश का वैसे बहुत ही सस्ता है, बहुत ही 249 इसका डिश का प्राइस है, 249 पर प्लेट, 249 पर प्लेट इसका और प्लस टैक्सेस है। बहुत ही स्वादिष्ट डिश है बिल्कुल। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा और आप देख रहे हैं कि इस डिश का प्राइस बिल्कुल ही वाजिब है, 249 पर प्लेट, उसमें आपको काफ़ी क्वांटिटी में खाने को मिलेगा। खैर इसे देखते हुए मुझे एक शेर याद आ रहा है, अर्ज़ करना चाहूँगी। तुम इतराते बहुत हो, दिल को लुभाते बहुत हो, मन करता है तुम्हें डिनर पर ले जाएं, लेकिन डर इसी बात का है कि तुम खाते बहुत हो। लेकिन यहाँ पर आते वक्त आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको मिलेगा बिल्कुल वाजिब दाम में लजीज मज़ेदार खाना, बिल्कुल आप अपनी फैमिली के साथ अपने फ्रेंड के साथ बिल्कुल इंजॉय कर सकते हैं और अपनी शाम बना सकते हैं खुशनुमा। आइए देखते हैं आगे क्या चल रहा है। अब इसके साथ हम बेल पेपर, लाल पीली हरी ब्रोकली है जो कि हाँ इसके साथ मैं सर्व करने जा रहा हूँ। इसके अंदर हर्ब्स हैं और काफ़ी तरह के शिमला मिर्च हैं, लाल पीली हरी शिमला मिर्च है और खाने में बहुत स्वादिष्ट है। इसका जो काजू स्पाइस पाउडर है वो बहुत ही लाजवाब, बहुत खुशबूदार है, टेस्ट बहुत अच्छा। अब हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं जो उसका बारबेक्यू सॉस है, बहुत कम समय में बहुत अच्छा बनता है और बहुत टेस्टी है, वो कोटिंग चीज़ के पर टॉप अप में सब होगा। ये बारबेक्यू सॉस है, इसको बनाने के लिए 5 मिनट लगते हैं, बहुत ही सिंपल है इसको बनाने के लिए, बहुत अच्छा तरीका है इसको बनाने का। इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं गार्लिक्स, अनियन, स्प्रिंग अनियन और इसके हर्ब्स होते हैं ब्लैक पेपर, सॉल्ट, पेपर और इसमें रेड वाइन 1 चम्मच यूज किया जाता है 1 पोर्शन के लिए और टमाटो केचप होता है इसके अंदर। इस सबको रिड्यूस करके एक सॉस बनाया जाता है जो आपका चीज़ को ऊपर डाल के जो आप खाने में बहुत मज़ेदार लगे। तो यानी टोमेटो सॉस से थोड़ा अलग है, अलग है। काफ़ी अलग है, थोड़ा नहीं काफ़ी अलग है और खुशबू भी काफ़ी मज़ेदार है। अब हम इसको कॉटेज चीज़ ग्रिल किया हुआ जो उसके ऊपर इसको डालने जा रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें कुछ अलग से समय चाहिए और अलग से थोड़ा सामान भी अलग से चाहिए? बिल्कुल जी, उसमें अलग से समय जितना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जितना हमने कोटी चीज़ स्टेक ग्रिल करने में लगा उतना भी उसमें नहीं समय लगता है। इसको बनाने के लिए टमाटर केचप यूज किया जाता है और आपका रेड वाइन सॉस यूज किया जाती है और वो स्वाद अनुसार जो कि अपना टेस्ट बदले और स्वाद अच्छा है, तो उसके लिए ये मसाले वगैरह, नमक मिर्च, थोड़ा व्हाइट पेपर, थोड़ा ब्लैक पेपर है इसके अंदर, रेड वाइन विनेगर और रेड वाइन भी है और आपका सॉल्ट विनेगर और किन स्प्रिंग अनियन है उसको टॉप अप उसको गार्निश करेंगे इसके बाद। और ये आपका गरम गरम इसमें सॉस जाती ही है, ग्रेवी टाइप, एक ग्रेवी लग रहा है बिल्कुल।
सॉस के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है ये डिश। और इसके साथ में जो हम डालने जा रहे हैं इसका तो टॉप ऑफ गार्निश है, स्प्रिंग अनियन है और इसके साथ और अच्छा गार्निश है जो डीप फ्राइड है और ग्लास नूडल है और देखने में खूबसूरत है। ये क्या चीज़ है? ग्लास नूडल है, ग्लास नूडल इसको फ्राइड किया जाता है, इसके कोटेज चीज़ के ऊपर ये टॉप अप का गार्निश जाती है और लुक भी अच्छा दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल लाजवाब लुक लग रहा है। ये आज का हमारा डिश हमने बनाया है बहुत शॉर्ट टाइम में कोटेज चीज़ स्टीक, ये फाइनल है गर्मा गर्म। बिल्कुल बिल्कुल, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं गर्मा गर्म डिश बनकर तैयार है। बिल्कुल दोस्तों, इसकी खुशबू इतनी मज़ेदार लग रही है कि काश मैं आपको टीवी से ही इसका स्वाद चखा सकती। इतनी मज़ेदार डिश लग रही है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है और रहा नहीं जा रहा इसे टेस्ट किए बिना। तो सर क्या मैं टेस्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल, तो ये है हमारे मास्टर शेफ़ की मेहनत का कमाल, जो इतनी मज़ेदार प्लेट सज धज कर दिख रही है, खाने में भी उतनी ही लजीज होगी मुझे उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। लेट मी टेस्ट फर्स्ट। चीज़ के साथ वो काजू का जो टेस्ट आपने बताया सर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा चटपटा टेस्ट आ रहा है वाकई। मैं दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इंडिया में मैं जहाँ भी घूमी हूँ इस डिश का स्वाद मैंने कई जगह चखा है, लेकिन इसका असली जायका मुझे यहाँ आज बीसों में महसूस हुआ है। बिल्कुल, तो आज के शो में हमने बनाया कोटेज चीज़ स्टेक। सर इतना लजीज खाना चखाने के लिए और हमारे दर्शकों को सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आपके पास भी है इस डिश को बनाने का कोई और तरीका या आप बनना चाहते हैं हमारे अगले कुकिंग एक्सपर्ट, तो हमें ज़रूर भेजिए अपने नाम और फोटो के साथ नीचे दिए गए हमारे एड्रेस पर।